अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हमारे पास सैमसंग A32 5G आया है, A32 5G। इसका डिस्प्ले रिप्लेस करेंगे, इसका पहले भी डिस्प्ले रिप्लेस हुआ है। ये दोस्तों थोड़ा सा इसे हीट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करना क्योंकि इसकी बैक साइड प्लास्टिक की है और इस मोबाइल की बैक तो थोड़ी सी दरमियान से टूटी हुई थी, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा हीट नहीं दिया, लेकिन मैंने इसे उतार लिया। दोस्तों जितनी देर में मैं ये स्क्रू खोलता हूँ उतनी देर में आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पे जो दोस्त मुझे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपका ऐसा करना हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजाई का सबब बनता है, हमें खुशी होती है कि हमारी वीडियो दोस्तों तक पहुंची है, उन्हें पसंद आई है। ये सारे स्क्रू मैंने खोल दिए हैं। ये सिम ट्रे बाय निकाली है, ये इसका 205G का एंटीना स्पेशल लगाया हुआ है इस मोबाइल के ऊपर। ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, डिब्बा सा बना हुआ है, ये 5G का एंटीना लगा हुआ है। ये ओपनर की मदद से इसे मैंने खोला। इसकी बेस को बाय निकाला है फ्रेम से। अब इसकी LCD को हीट पैड पर रखा गर्म होने के लिए। उतनी देर में मैं आपको इसका न्यू डिस्प्ले दिखाता हूँ। देखें इसका दोस्तों न्यू डिस्प्ले, दोस्तों इस न्यू डिस्प्ले को पहले इसमें लगा के एक बार चेक करेंगे, उसके बाद फिर इसे फिट करेंगे। डिस्प्ले टूटा हुआ है पहले वाला, इसलिए उसे ज़्यादा हीट देंगे। ज़्यादा हीट देने से ये इजीली बाहर आ जाएगा और वैसे भी ये जेन्युइन फिटिंग वाला नहीं था, ये पहले भी इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है। ये देखें हीट देने से डिस्प्ले इसका आसानी से बाहर आ गया और नीचे इसके देखें शीशे टूटे हुए हैं काफ़ी। ये इसको मैं ब्लेड से साफ़ करता हूँ। दोस्तों एहतियात किया करें आप भी, यहाँ पे भी साफ़ करते हुए मेरे लेफ़्ट हैंड के अंगूठे पे ये देखें शीशा लग गया, उसमें से ब्लड भी निकलना शुरू हो गया था, इसलिए उसे मैंने दबा दिया उधर ही। ये छोटे छोटे पीस निकलते हैं अक्सर डिस्प्ले टूटे हुए हों तो। ये भी बीच साइड के ऊपर एक टूटा हुआ था ग्लास, ये मैंने इसे निकाला बाहर। ये दोस्तों फ्रेम को मैंने साफ कर दिया, साथ साथ मैंने अपने अंगूठे के ऊपर कपड़ा रख के उसे दबाया हुआ टिश्यू रख के। इसको न्यू डिस्प्ले को लगा के एक बार चेक करते हैं, इसके ऊपर इसकी बेस की फिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पावर बटन उसके अंदर है। ये मोबाइल तो ऑन हो गया, एक बार इसके टच को चेक करते हैं। बैटरी लो थी, ब्राइटनेस कम थी, लेकिन टच इसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
डिस्प्ले पे गम लगाते हैं, गम ज़्यादा नहीं लगानी है, नॉर्मली लगानी है लेकिन लगानी प्रॉपरली है। अब इसके फ्रेम को लगाते हैं, ये बेस लगा दी फ्रेम के ऊपर। बेंजामिन जी दोस्तों, इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब इसके सारे स्क्रू करते हैं और इसे मुकम्मल फिट करते हैं। दोस्तों इसकी बैक साइड पे इसके कवर के ऊपर डबल टेप अच्छे से लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर गम नहीं लगाई, इसे दोबारा वैसे ही फिट कर दिया। अब इसके ऊपर रबड़ बैंड लगाते हैं और इसको चार्ज पे लगा के इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। लें जी दोस्तों, डिस्प्ले इसका आ गया। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।